हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल एंड अनदर वीडियो। तो बताओ कैसा आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, आज हम लोग खेलने वाले पोकेमोन अनबाउंड की सीरीज एश ग्रे भी ख़त्म करेंगे। यस भाई, नो भाई, मैं शुरू से देखना चाहता हूँ ये स्टोरी, पहली बात। हाँ भाई, ये लड़ाइयाँ चल रही है, वैसे हम लोग ये लड़ाइयों पर गौर नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अपनी बातों पर गौर करेंगे। सो गाइज, आपको इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन्स की गेम प्लेस के ही गेम्स मिलेंगे। और गाइज, हमारी एश ग्रे भी चलती रहेगी और इस स्टोरी को भी कंटिन्यू करेंगे, मतलब कि दोनों गेम्स चलेंगी। गाइज, एश ग्रे के भी 25 एपिसोड आ चुके हैं, मैंने सोचा था 25 के बाद ही कोई नई गेम खेलूँगा। यहाँ पे सीन देख लो भाई, लुक बड़ा तगड़ा हो रहा है। चलो, ये क्या है, हुपा ही नाम है इसका। हाँ भाई, जल्दी से इसको स्किप कर लेते हैं भाई। हाँ, मोल्ट्रा सार्टिकॉन और जैबडस प्रकट हो चुके हैं। और ये कौन आया? हाँ, तो हुपा की शक्तियों को इसमें बंद कर दिया गया और उसको छोटा बना दिया गया। अब आगे 16 ईयर हो गई, एक बंदे के पास आई पोकीबॉल। इसने आरसीएस को क्या किया, पोकीबॉल को फेंक दिया आरसीएस की, और आरसीएस को इसने आज़ाद कर दिया शायद। हाँ देखो भाई, आरसीएस को वही हुआ, आज़ाद कर दिया उसने। हाँ, यहाँ पे स्टोरी को ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ, बस जल्दी से स्किप कर रहा हूँ। भाई लोग स्किप करते जाओ, कुछ ज़्यादा नहीं है स्टोरी में, बस हमें गेम का अपने आप ही पता लग जाएगा। पोकीबॉल आई है, उसने जो हुप्पा निकला और ये दिस पोकेमोन वगैरह वगैरह हुप्पा। हाँ, अभी इसके सब पीछे पड़े हुए हैं, सारी गैंग जिसके पीछे पड़ी हुई है। सो ये है पोकेमोन अनबाउंड की स्टोरी। उफ, बहुत ही ज़्यादा लंबी स्टोरी थी। बाल ठीक है, हेयर ठीक है भाई, मैं ऐसा ही रहना चाहता हूँ भाई। और मेरा नाम होगा PMS, मैं अपना नाम PMS रखने वाला हूँ, यानी कि पोकेमोन मास्टर सौरभ, ये अपना शॉर्ट फॉर्म में रहेगा नाम। सेव कर लेता हूँ और यस, हाँ भाई, जो हो रहा है चलने दो भाई, मेरे को ज़्यादा वो कुछ चाहिए नहीं, बस हाँ प्रेजेंट डे। और यहाँ पे कौन आएगा देखते हैं। सो यहाँ पे हुप्पा आ चुका है शायद। हाँ भाई, चलो, ये कहाँ ले गया साइंटिस्ट, 2-in-1 day क्विक साइंटिस्ट, व्हाट आर यू स्टैंडिंग अराउंड फॉर, ग्रैब हिम। भाई ये मेरे को क्या लॉक वॉक की, अरे भाई बंद कर दिया मेरे को। ओ हुप्पा आ गया, चलो भाई शायद हमें हुप्पा बचा लेगा यहाँ से। ही अनश्री हुपा, भाई देखते हैं यहाँ पे हुपा हमें बचाएगा या फिर हमें खुद ही बचना पड़ेगा, वो तो मेरे को पता नहीं वैसे एक्चुअली। सो ये गार्ड आया और हुपा को ले गया, लगता है हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा खुद। ये हुपा को शायद बोल रहा है कि तुम्हें परमिशन किसने दी है यहाँ की, और हुपा को ले जाएगा भाई। इन्होंने पक्का हुपा के साथ कुछ तो गड़बड़ किया भाई। अभी मैं झुकूंगा नहीं इनके सामने, तो इनको जल्दी से इनका पर्दाफाश करने के लिए निकलेंगे यहाँ से आराम से। चल भाई, ओए चल बता, यू आर किड भाई, मेरे को जाने ही नहीं दे रहा। वाओ, वहाँ पे कोई पोकेबॉल दिखी मेरे को, ये रही हाँ पोशन। देखते हैं भाई अपनी अनबाउंड सीरीज कैसी जाएगी वैसे यहाँ पे क्या। अरे भाई वहाँ पोकेबॉल है, पहले पोकेबॉल उठा लेते भाई, फ्री का माल, पोशन मिल गया, अच्छी बात है, हमें हमारे फर्स्ट राइवल बैटल में काम आ जाएगी। हाँ, व्हाट इज़ दिस शिफ्ट, ओ सो ये हमारा राइवल है, मुझे इसका नाम रखना है। सो मैं इसका नाम एक्चुअली थोड़ा तगड़ा सा रखने वाला हूँ, जैसे क्या रखूँ यार, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। सो एक्चुअली मैं इसका नाम रखता हूँ मनीष। मनीष नाम ठीक है यार, इतना भी क्या भाव खाना, मनीष ठीक है इसका नाम। ये एस और ये एच, मनीष इसलिए क्योंकि आज मेरे स्कूल में उसने मेरी सारी बोतल का पानी खाली कर दिया एक ही बार में, इतना मोटा बंदा है वो, सच बोल रहा हूँ, एक ही बार में सारा का सारा पानी कर दिया खाली। ओ तो ये हमारे पीछे पीछे, अभी शायद ये मेरी मदद कर सकता है। हाँ, वो डू यू थिंक यू आर, Do you think you can get away with keeping us locked? Oh, hey kid. अच्छा, उसने पोकेमोन दिखा के इसे भगा दिया। हाँ देखा, ये मनीष भी बड़ा खतरनाक बंदा है भाई, हमें लगता है इसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो आवाज़ आई ना, शायद यहाँ से आई है। ओ
व्हाट इज दिस यार? ओ ये हमारे स्टार्टर्स है गाइस। सो तीनों पोकेमोन बड़े बढ़िया हैं, पर लार्विटार मेरे इतना बढ़िया नहीं है। बेल्डम भी ठीक है, मेटाग्रोस बन जाएगा, लेकिन गीबल मेरा पर्सनली भाई इतना ज़्यादा फेवरेट है, क्या बताऊँ। गीबल का कोई निकनेम नहीं देना चाहता मैं बस। हाँ भाई, तो इसने लार्विटार को दिया, बेल्डम भी बेचारा निकल गया। कोई बात नहीं बेल्डम, चलो अभी बताते हैं उनको। 5 लेवल तक के होंगे हमारे पोकेमोन इस गेम में भी, शायद मे बी कहीं ऐसी गलत मत समझ लेना, मे बी। बैटल होना शुरू हो चुका है, इसके दो पोकेमोन है और लार्विटार और गीबल। और ओ भाई 10 लेवल कहाँ से आ गया? उसने लिए इस्तेमाल किया मेरे ऊपर गीबल, यानी मेरे गीबल के ऊपर, और मैंने हाइपर फैंग और भाई ख़त्म भाई, ये लो। सो गाइस यहाँ पर का बैटल तो मैं जिताने वाला हूँ इन सबको। पहला देख ले भाई, पॉइजन मत करना, मारूंगा बड़ा गंदा। चलो भाई ये ख़त्म, और इस पर भी टैकल इस्तेमाल करते हैं। इसने ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैं इसको ख़त्म करूँगा गाइस। तो मैंने अपना फर्स्ट बैटल जीत लिया है इस गेम का। वैसे हम लोग इतने होशियार तो हैं भाई, अभी इसने डरा दिया, इसको दिखा के अपना पोकेमोन और ये निकल गया। क्या बोल रहा है? आई एम गेटिंग आउट ऑफ हेयर नाउ PMS। चल भाई निकल, बोलता रहे। सो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो और भी पड़ा होगा, इसलिए पहले हम वो सब देख लेते हैं। क्या यहाँ पे कोई दूसरी की लगेगी? पर छोड़ो, अभी हमें क्या करना, हमने सारा सीन तो यहाँ का कर ही लिया। चलो बाहर चलते हैं, लड़ेंगे तो नहीं ये गाइज। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे जल्द मिलेंगे हमारे पोकेमोन अनबाउंड के सेकंड एपिसोड में। तब तक के लिए गाइज गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। और हाँ गाइज, अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। सो गाइज गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। अगली वीडियो आपको यहीं से ही मिलेगी। बाय गाइज़।